आज बनाएंगे बेसन लड्डू। अगर आपको भी बेसन लड्डू बनाते टाइम प्रॉब्लम आती है, मार्केट जैसा टेस्ट नहीं आता और वो दानेदार टेक्सचर, बारीक पिसे हुए बेसन से भी लड्डू में दानेदार टेक्सचर कैसे लाएं, इसके लिए भी वीडियो में ट्रिक बताई है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ये रेसिपी मैंने परफेक्ट मेजरमेंट के साथ शेयर की है। हाय एवरीवन, मैं हूँ वर्षा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई में लेंगे आधा कप घी। सारा घी एक साथ नहीं डालेंगे, 2 टेबलस्पून घी बचा कर रखिए। ये घी मैंने घर पर ही बनाया है, इसीलिए इसमें मावा का एक पीस है। घी के पिघलते ही गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसमें डालेंगे 1.5 यानी कि 1.5 कप बेसन। अगर आपके पास इस तरह के कप नहीं है तो एक कटोरी सेट कर लीजिए, उससे आधा कटोरी घी लेंगे और 1.5 कटोरी बेसन। मैंने यहाँ पर बारीक पिसा हुआ बेसन यूज किया है, फिर भी लड्डू दानेदार बनेंगे। कैसे, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जो कि वीडियो में आगे है। बेसन और घी को मिक्स कर लेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। बेसन लड्डू बनाते समय सबसे जरूरी स्टेप यही है कि आप बेसन को कितनी अच्छी तरह से भूनते हैं। बेसन को अच्छे से भूनेंगे तो टेस्ट भी बढ़ेगा। जैसे जैसे बेसन भूनता जाएगा तो इसका टेक्सचर चेंज होता जाएगा। अगर मैं आपको समझाने के लिए इसे स्टेजेस में डिवाइड करूं, तो पहली स्टेज में घी और बेसन को मिक्स करेंगे तो ये एक साथ इकट्ठा आ जाएगा। अब इसमें 2 चम्मच घी मिला दें जो कि हमने स्टार्टिंग में बचा कर रखा था। ये दूसरी स्टेज है, इसमें बेसन इस तरह से पतला हो जाता है। लगातार चम्मच चलाते रहिए। बेसन को भूनते हुए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। थोड़ी देर में इसका कलर चेंज होगा, धीरे धीरे इसका कलर गहरा होता जाएगा। अब बेसन के भुनने की खुशबू आने लगी है, ये भी एक इंडिकेशन है। अगर आप देखकर अंदाजा नहीं लगा पाते कि बेसन रोस्ट हो चुका है तो उसकी खुशबू बता देगी। 20 मिनट हो चुके हैं, ये फिर से गाढ़ा होने लगा है। इस टाइम पे बेसन में बबल्स बन रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ये धीरे धीरे उछलेगा। शायद ये कैमरे में नजर ना आए, लेकिन जब आप पैन को ध्यान से देखेंगे तो बेसन जगह जगह से उछलता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही बेसन इस स्टेज पर आ जाए तो कढ़ाई में थोड़ी जगह बना लें। डालेंगे 1 टेबलस्पून यानी कि 1 बड़ा चम्मच पानी। यही वो स्पेशल ट्रिक है, पानी डालते ही मिक्स कर लेंगे। ध्यान से देखिए, बेसन का टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो चुका है, इसमें दाने बन गए हैं। खाते समय लड्डू में दरदरा टेक्सचर फील होगा। हलवाई भी बेसन लड्डू बनाते समय ये ट्रिक अपनाते हैं। ये तीसरी स्टेज है, 5 मिनट और भूनेंगे। जब बेसन अच्छी तरह से भुन जाता है तो ये फिर से घी छोड़ने लगता है। भले ही ये वापस पतला हो चुका है, लेकिन इसमें दाने बरकरार हैं। जब मैं इसे चम्मच से हिला रही हूँ तो दाने आपको साफ नजर आ रहे होंगे। गैस बंद कर दिया है। स्टार्टिंग से लेकर अब तक टोटल 25 मिनट का टाइम लगा। इतना टाइम देंगे तभी वो फ्लेवर आएगा। जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो बेसन अच्छी तरह से रोस्ट नहीं होगा, फिर लड्डू में कच्चे बेसन का स्वाद आएगा जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने यहाँ पर 2-3 बूंद ऑरेंज कलर डाल दिया है, ये डालना ऑप्शनल है। हलवाई भी डालते हैं, इसीलिए मैंने आपको डालकर दिखाया, क्योंकि आज मार्केट स्टाइल हलवाई स्टाइल लड्डू बना रहे हैं। अगर आपके पास कलर नहीं है तो ना डालें, डालना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कलर डालने से टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। गैस बंद होने के बाद भी 1-2 मिनट तक हिलाते रहिए, जब तक ये गर्म रहेगा, पकता रहेगा। अगर इसे छोड़ देंगे तो कढ़ाई इस वक्त गर्म है, नीचे से जल सकता है। जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो मिलाएं 3/4 कप पिसी हुई चीनी। 1 कप से थोड़ी सी कम है, अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो पूरा 1 कप भर के भी डाल सकते हैं। मिक्सर में पीस कर चीनी का पाउडर बना लिया है। ध्यान रखिए, चीनी जब मिलानी है जब बेसन ठंडा हो जाए। अगर गर्म बेसन में चीनी मिला देंगे तो चीनी पानी छोड़ देगी, ये मिक्सचर पतला हो जाएगा। फिर आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, इसके लड्डू नहीं बनेंगे। इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। चीनी को मिक्स कर लेंगे, हाथ से मिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से मिक्स होगी। अब इससे लड्डू बना लेंगे। फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल सकते हैं, पिस्ता को भी बारीक काट कर डाला जा सकता है, लेकिन आज मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया है। और वैसे भी मार्केट में भी बेसन लड्डू में ड्राई फ्रूट्स नहीं डालते हैं, बस ऊपर से डेकोरेशन के लिए पिस्ता लगा दिया जाता है। थोड़ा मिक्सचर हाथ में लें, अब दोनों हाथों के बीच रख कर इसे गोल कर लेंगे।
सारे लड्डू इसी तरह बनाकर तैयार करना है। आप इन्हें एयरटाइट कंटेनर में रखकर एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं। ट्राई करके देखिए कैसे बने, कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।